डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। तो चलिए साइंस में जैसे कि अभी हम लोग अम्ल और क्षार लवण को बारे में पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक्स दिया जाए। इस बार टॉपिक बनाएंगे अम्ल क्षार की अभिक्रिया, अम्ल क्षार की अभिक्रिया, अम्ल क्षार की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में देख पा रहोगे कि एक अम्ल है वो क्षार के साथ ही अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि जब अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा, इसके बारे में हम लोग ना बात करेंगे। तो सबसे पहले बात उसके नीचे एरो, फर्स्ट एरो देकर लिखा जाए कि जब जब अम्ल कॉमा क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो, जब अम्ल कॉमा क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो परस्पर परस्पर लवण एवं जल बनता है, परस्पर लवण एवं जल बनता है। याद रखिएगा कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं क्या क्या बनाते हैं, तो लवण और जल, ये बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा। यानी कि इस रिएक्शंस में हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी अम्ल है और कोई भी क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनाता है, तो लवण प्लस में जल, ये चीज़ें ना बनाता है। इसको आप याद रखिएगा बिल्कुल कि अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल, इसी को हम लिखे हुए। उसके नीचे आप इस पार्ट को लिख दीजिएगा कि जब अम्ल जो है क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में कुछ लिखेंगे हम लोग। लिखा जाए कि जब NaOH, ये क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, तो हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है इसलिए ये कहलाता है क्षार। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसको हम लोग कहते हैं क्षार, ठीक है। और जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, अम्ल बोले तो HCl ले लेते हैं जिसको अम्ल की कैटेगरी में रखा गया है और इसका नाम भी होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखिएगा कोई भी क्षार जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा क्या बनाता है, लवण और जल। तो यहाँ लवण के फॉर्म में NaCl बनाता है जो एक तरह का लवण है जिसको लवण कहते हैं, और जल बनाता है यानी कि H2O। तो एक एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो रहा है कि एक तरीके का अम्ल जो है आपस में क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं तो लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, यानी कि लवण और H2O, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इनको याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देते हैं। ये टॉपिक इतना ही था कि क्या होगा जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी, यानी कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा ज़रूर। फिर आप नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। यानी कि क्या होगा जब कोई अम्ल होगा वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी कि धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या, आप पढ़े होंगे ना कि धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसी तरीके से दोस्तों धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तब उसको कहते हैं धात्विक ऑक्साइड, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जिस तरीके से अम्ल और क्षार मिलके लवण और जल बनाते हैं, उसी तरीके से कोई भी अम्ल जो है ना किसी भी धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके वही लवण और जल बनाते हैं। जैसे पहले लिख लीजिए फर्स्ट एरो दे करके, उसके बाद हम लोग चीजों को समझते हैं। तो इसके नीचे फर्स्ट एरो देना है, लिखेंगे जब किसी धात्विक ऑक्साइड को जब किसी धात्विक ऑक्साइड को
अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप याद रखिएगा कि जब किसी भी धात्विक ऑक्साइड को हम लोग अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है, हमेशा लवण और जल। जैसे कि मान लिया यहाँ पे कोई धातु के ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड। अब कैसे पता चलेगा कि धातु के ऑक्साइड है यहाँ पे, तो कोई भी धातु हो सकता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कोई भी धातु रहेगा उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा तब हम कहेंगे कि धातु के ऑक्साइड है। और ये धातु के ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं ना दोस्त, तो वही बनाते हैं जो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके बनाते हैं, माने कि लवण और जल बनाते हैं। तो ये भी बात याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि धातु के ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। तो यही है हम लोगों का मैकेनिज्म कि धातु के ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, अब रहा बात की सर एग्जाम्पल दिखा दीजिए। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लिया कि कोई धातु के रूप में मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो MgO बनाएगा, फार्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे धातु के रूप में मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तब इसको हम बोलेंगे कि धातु के क्या है, ऑक्साइड है, जिसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। और अम्ल के साथ, तो अम्ल एक HCl एक अम्ल है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे। ठीक है, अब इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो हम लोगों को क्या क्या बनाएगा जरा बात कर लेते हैं। तो यहाँ बनाएगा MgCl2, ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड और बनाएगा H2O। ठीक है, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे हम लोग संतुलित करने के लिए। तो याद रखिएगा ये बन गया हम लोगों को लवण और ये बन गया जल। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्लियर दिख पा रहा होगा कि अच्छा, अम्ल और क्षार भी अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और धातु के ऑक्साइड भी जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सेम ही प्रतिफल बनाते हैं, क्योंकि एरो के जो निशान है उसके दाई तरफ वाले भाग को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों प्रतिफल सेम है, लेकिन अभिकारक में अलग अलग चीज होता है। अगर अभिकारक में अम्ल और क्षार रहेगा फिर भी हम बोलेंगे कि लवण और जल बनेगा, अगर अभिकारक में धातु के ऑक्साइड रहेगा और अम्ल रहेगा तब पर भी लवण और जल ही बनेगा। पहला एग्जाम्पल, चलिए चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मान लिया कि सोडियम ऑक्साइड है और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O। इस सोडियम धातु हो गया और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। अब इसको भी एक अम्ल है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, इसके साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो इसको अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है हम लोगों को, तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाएगा, NaCl और H2O बनाता है, H2O। तो यहाँ पे अब संतुलित कर दीजिए, NaCl को हम लोग लवण कहते हैं और जल को H2O कहते हैं। तो यहाँ सोडियम 2 है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए और क्लोरीन 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए। इस तरीके से ये हो जाएगा हम लोगों का संतुलित रासायनिक समीकरण। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़े कि धातु के ऑक्साइड को भी अगर दोस्त हम लोग अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे, विक्रिया कराएंगे, तो कुल मिलाकर लवण और जल ही देगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि अगर किसी क्षार को अधात्विक ऑक्साइड यानी कि अधातु, धातु और अधातु का नाम तो आप सुने होंगे कि धातु क्या है अधातु क्या है, तो धातु के रूप में कुछ पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ने को मिलेगा कौन धातु है और कौन अधातु है।
तो सबसे पहले हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। उसी तरीके से अब हम लोग चलिए चलते हैं कि कोई भी क्षार जो है अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बनाते हैं। तो यहाँ लिखिएगा क्षारक के अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक क्षारक के अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, से अभिक्रिया यानी कि कोई भी क्षारक होगा उसको अगर अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक का मतलब होता है अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहले इसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए जब किसी क्षारक को, लिखेंगे फर्स्ट एरो देकर, जब किसी क्षारक को अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। अब देखिए दोस्त, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अच्छा तब तो हमें ये चीज़ फाइनली याद रख लेना चाहिए कि कोई भी अम्ल और क्षार रहे तब पर भी लवण और जल बनेगा, कोई भी धातु के ऑक्साइड रहे और अम्ल के साथ तब पर भी लवण और जल बनेगा। और अभी हम लोग सीखे कि भाई कोई भी क्षारक रहे और इस बार अधात्विक ऑक्साइड हो, अधात्विक ऑक्साइड हो तब उससे भी हम लोगों को बनता है लवण और जल, लवण प्लस जल। ठीक है, ये चीज़ें आपको जानना चाहिए कि आखिर कोई भी क्षारक हो और अधात्विक ऑक्साइड हो जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनते हैं। दैट इज अ मेन मैकेनिज्म ऑफ क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड। अब चलिए इसके ऊपर ना कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो उसके नीचे एग्जाम्पल में लिखेंगे कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है। और हम आपको बता चुके हैं कि कहीं भी अगर हाइड्रोक्साइड आए ना तब उसको आप समझ जाइए कि क्या है, ये क्षार है। तो उसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं जिसका फार्मूला होता है CaOHK2। अब ये रहा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक अधात्विक ऑक्साइड, तो अधात्विक ऑक्साइड किसको कहेंगे जो धातु नहीं है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक तरह का क्या है, अधातु है कार्बन और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया मैंने जुड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यानी कि एक तरह का अधातु का ऑक्साइड हो गया। जब धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तब वो कहलाता है धात्विक ऑक्साइड, और किसी अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तब उसको कहते हैं अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ हो गया क्षारक यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का क्षार है, और अधात्विक ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, तो यहाँ लवण के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 बनता है, और इसके साथ साथ जल बनता है यानी कि H2O। ठीक है, तो CaCO3 बनता है और जल बनता है। तो Ca कैगो है, एगो, कार्बन कैगो है, एगो, और ऑक्सीजन कैगो है यहाँ पे, तो यहाँ दो और दो चार गो है, तो यहाँ पे तो तीन और एक चार है, और हाइड्रोजन दो है तो संतुलित खुद है। तो याद रखिएगा कि ये एक तरीके का क्षार में आ गया, हाइड्रोक्साइड है इसलिए क्षार हो गया, ये अधातु के ऑक्साइड हो गया,
और धातु के ऑक्साइड, और ये एक तरीके के लवण के रूप में आ गया, लवण के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो आपको यहाँ से एकदम याद रखना चाहिए कि अच्छा भाई अम्ल और क्षार भी लवण जल बनाते हैं, धातु के ऑक्साइड और अम्ल मिलकर भी लवण जल बनाते हैं, और क्षार के साथ अधातु के ऑक्साइड भी मिलकर लवण और जल बनाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्षारक जो है अधात्विक ऑक्साइड के साथ भी सेम गुण प्राप्त कर रहा है, जैसा कि धातु का ऑक्साइड अब अम्ल के साथ रिएक्शन करने पर लवण और जल बन रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों का क्या है, प्रॉपर्टी सेम है, दोनों का गुण सेम है। तो इस दोनों के गुण को सेम के लिए एक यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे, चूँकि क्षारक और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया के समान है, अतः अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। देखिए ये जो बात लिखा गया ना, वो सिंपल वे में समझिए कि भाई अम्ल और क्षार मिलकर भी लवण और जल बना रहे हैं, धातु के ऑक्साइड भी अम्ल के साथ मिलकर लवण, यानी कि तीनों का प्रोडक्ट सेम है, इसलिए कहा जा रहा है कि आप अम्ल और क्षार का अभिक्रिया करा लीजिए, चाहे धातु के ऑक्साइड और अम्ल का करा लीजिए, चाहे अधात्विक ऑक्साइड को क्षार से करा लीजिए, सबका प्रकृति कुछ ही है, सेम है, यानी कि इसका भी प्रकृति अम्लीय जैसा है, यानी कि क्षारक तो खुद है, यहाँ क्षार है, तो अधात्विक ऑक्साइड क्या है, एक तरह का अम्ल का गुण पाया जा रहा है, क्योंकि क्षार और अम्ल मिलकर न लवण और जल देते हैं। तो यहाँ बोला गया कि अधात्विक ऑक्साइड एक तरह का अम्ल है, ठीक है। तो यही बात बोला गया है कि अधात्विक ऑक्साइड एक अम्लीय प्रकृति है, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर क्या देते हैं, तो लवण और जल बनाते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, क्योंकि आगे फिर है NCERT के बीच में प्रश्न हैं, तो उस प्रश्नों को हम अगले दिन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।